नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हों जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे पड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर मारने पड़ रहे हैं, आप कोई मुकदमा लड़ रहे हों, तो बड़ा ही मतलब हम परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो इन सब प्रॉब्लम से शीघ्र मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो बताने जा रहे हैं। shivago.com पे आपको सारी चीज़ें जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित में मिल जाएगा। और रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि रुद्राक्ष हमेशा आप बड़ा ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये देखिए, ये रुद्राक्ष जो है ये सात मुख्य रुद्राक्ष है, दोनों ही सात मुख्य रुद्राक्ष है। साइज़ में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप, ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा ही हमेशा लीजिएगा क्योंकि ये अफेक्टिव ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ये अफेक्टिव नहीं होता है छोटा वाला, थोड़ा महंगा मिलेगा, अगर मिल गया तो बड़ा लीजिएगा। जैसे देखिए, ये भी पांच मुखी है। देखिए पांच मुखी का जो दाना है ये बड़ा दाना है, ये थोड़ा सा छोटा दाना है। तो ऑलवेज गो फॉर अ बिग वन, नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा पर उसका इफेक्ट अच्छा होता है। तो देखिए, यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हों और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे निकलें कैसे, कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा हो, या आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए हों और आपका जो पेशेंस है वो जवाब दे चुका है, आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा हो और आपका जो जीवन है वो ऐसा लग रहा है कि बस ये संघर्ष में ही पूरा जीवन बीत जाएगा, आप जहाँ भी जाते हो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपमानित कर दिया गया हो, अपमानित महसूस कर रहे हो, तो आपको सात मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष या फिर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। omja.com या shivago.com पे आपको सारी चीज़ें जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड मिलेगी। जैसे ये देखिए, ये सात मुखी रुद्राक्ष है, ये आपको omja.com या shivago.com पे लैब द्वारा प्रमाणित ही मिलेगा, आपको अभिमंत्रित भी मिलेगा यदि आप चाहेंगे तो। ये पांच मुखी रुद्राक्ष है, ये भी आपको लैब सर्टिफाइड ही मिलेगा। और ये 11 मुखी रुद्राक्ष, ये भी आपको जेन्यून, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड ही मिलेगा। तो जब आप सात मुखी, पांच मुखी और 11 मुखी धारण करते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है। और जैसे आप धारण करते हो तो आपको इन समस्याओं के मध्य से भी तुरंत हल निकल जाएगा। अगर आप तीनों एक साथ नहीं पहन सकते हैं तो फिर आप 11 मुखी सबसे पहले पहनिएगा, और अगर तीनों पहनते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब हम तीनों के बारे में इन शॉर्ट हम बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जो सात मुखी रुद्राक्ष है तो सात मुखी रुद्राक्ष में सात दिव्य सर्प निवास करते हैं जो इसे धारण करने वाले को अपार शक्ति से जोड़ता है। यह शनि के क्रूर प्रभावों को कम करता है। हालांकि हेल्थ के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं पर वो बताने का मतलब ज़्यादा मतलब नहीं बनता है क्योंकि हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं। ये शरीर में मणिपुर चक्र से जुड़ता है जो साहस और आत्मसम्मान को प्रज्वलित करता है। मैंने ऊपर मैंने अपमान की बात की थी इसलिए मैं यहाँ पे सम्मान की बात कर रहा हूँ। ये जीवन में नए अवसरों के द्वार को खोलने में मदद करता है। जब ऐसे चीज़ों से निकलोगे तभी तो द्वार खुलेगा। ये रुद्राक्षधारी के जीवन में आशा और सकारात्मक महसूस करने में मदद करता है और शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव को भी ये कम करता है। दुख और दुर्भाग्य को दूर करने में मदद करता है। तो जब ये दूर होगा तो सुख, समृद्धि और संतोष ऑटोमेटिक आएगा। यह हितों और कलात्मक कौशल की समझ को बढ़ाता है और धन को स्थिर रखने में मदद करता है। दूसरी तरफ ये पांच मुख्य रुद्राक्ष है तो पांच मुख्य रुद्राक्ष है, बड़ा ही कॉमन रुद्राक्ष है, इसे कोई भी धारण करे। वैसे तो कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण करे फर्क नहीं पड़ता है, पर पांच मुख्य जो है व्यक्ति को असमय मृत्यु से बचाता है और ये धारणकर्ता को तनाव मुक्त और मन को शांत रखता है। इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे बताने का मतलब नहीं बनता है।
और ये बृहस्पति के क्रूर प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ये आपकी आत्मा को जागृत करता है और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा और आपके व्यक्तित्व से निरस्ता को दूर करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष ये विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने में मदद करता है। धन और समृद्धि दोनों को यह अट्रैक्ट करेगा। अकाल मृत्यु से रक्षा पाने के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने में भी ये फायदा करता है। विचार प्रक्रिया में सुधार लाएगा। यह महत्वपूर्ण शक्ति, ज्ञान और भाग्य देता है। यदि गुरु चांडाल योग है तो पांचमुखी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत प्रभावी उपाय है और ये और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब इसे आठमुखी के साथ पहना जाता है। पांचमुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को यह सुनिश्चित हो जाता है कि उसे कभी भी असमय मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद है 11 मुखी रुद्राक्ष, बड़ा ही ज़बरदस्त रुद्राक्ष है 11 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को साक्षात रुद्रदेव का अवतार माना जाता है। यह भगवान हनुमान का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। इसे एकादशी रुद्र भी कहते हैं इस रुद्राक्ष को, क्योंकि यह बजरंग बली की गुणवत्ता, समर्पण और ध्यान के साथ धन्य है और यह रुद्राक्ष देवराज इंद्र के आशीर्वाद से भी सुशोभित है। वैदिक ज्योतिष सदियों पुराना अध्ययन है। कुछ ग्रहों की चाल सकारात्मक प्रभाव डालती है और कुछ के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो वहाँ पे ये बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। ये पहनने वाले को अपने वक्तव्य कौशल और उत्कृष्टता पाने का, मतलब एक बहुत ही अच्छा मौका देता है। यह शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करने में मदद करता है, और जब आप कोई केस लड़ रहे हो तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अपना खुद का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए तो यह 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी माना गया है। व्यापारी वर्ग को इसे धारण करने से बिजनेस में मुनाफा मिलता है और साथ ही भाग्योदय होने से धन संपत्ति और समाज में मान सम्मान मिलता है। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी रुद्राक्ष सब जगह विजय दिलाने वाला होता है, और जो आप कोर्ट के चेहरे के चक्कर जब आप लगाते हैं तो विजय आपकी सुनिश्चित हो जाती है। हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को सुख समृद्धि का कारक माना गया है और इसे धारण करने से या घर में सिर्फ रखने से भी सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, और साथ ही आपके सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा के सरलता से पूरे हो जाते हैं। ये पहनने वाले को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लीडर बनाता है। जब हम जाते हैं कोर्ट कचहरी में तो हमारे अंदर एक डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा, तो ये हमें लीडर बनाता है। यह ध्यान और भगवान के प्रति एकल भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और सौभाग्य लेकर आता है। आप किसी यात्रा वगैरह पर जा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी सुरक्षा का काम करता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को सुधार देता है। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो वहाँ भी ये बहुत मददगार साबित होता है। आपके नेटवर्किंग कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यदि आप कहीं भाषण देना हो तो आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है। ये लंबी उम्र और सुरक्षा प्रदान करने के अलावा डर को दूर करेगा और असमय मौत से भी बचाता है। ये उन लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है जो जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और प्लस शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। शत्रु भय, भूत प्रेत बाधा, इन सब में ये काफ़ी कारगर होता है 11 मुखी रुद्राक्ष। ये तो यहाँ तक कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो फिर स्त्री को 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
यदि आप कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी आप जरूर धारण कीजिए, इसका ज़बरदस्त फायदा होगा आपको। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।